आप सभी को मेरा नमस्ते। प्रियंका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल सब्जी। इसके लिए मैंने सामग्री ली है, 2 गाजर इसको छोटे पीस में कट कर लिए है, 1 टमाटर इसको भी मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है, 1 कटोरी मटर, 3 आलू इसे भी मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है, 1 प्याज इसे भी छोटे पीस में कट कर लिया है, 8-10 लहसुन की कली इसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिए है, 10-12 हरी मिर्च इसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। आप चाहे तो उसमें गोभी, शिमला मिर्च, कोई भी अपने घर में सब्जी अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हो। अब मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाला है, अपना तेल गरम हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डालूंगी मैं, प्याज इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनने देते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें डालूंगी मैं आलू, टमाटर, गाजर, हरे मटर, स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूंगी फिर थोड़ा सा पानी, या आधा ग्लास के करीबन मैंने पानी डाला है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी अपनी सब्जी बनकर तैयार है। इसमें डालूंगी मैं ऊपर से हरा धनिया, ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अभी अपनी सब्जी बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।